तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम हाउ टू इम्प्रूव योर फोटोग्राफी स्किल्स। अब चाहे आप फोन से क्लिक करें या DSLR से, ये सेम डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा, बट आज हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग योर लेंस। सो टुडे वी शेयर सम अमेजिंग ट्रिक्स, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रिक का नाम है बैकग्राउंड। हम लोग सोचेंगे ट्रिक कैसे है। सो अगर आप कोई भी फोटोज क्लिक करते हैं तो आपको बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ये बात फैक्ट है और आपको सबको पता है ये बात, है ना। बट समटाइम जब आप बिगनिंग लेवल पे हो तो, या फिर आप बस खाली क्लिक करते हो किसी रैंडम पिक्चर, तो आपको ध्यान रखना चाहिए बैकग्राउंड्स का कि आपके बैकग्राउंड में कौन आ रहा है, किस तरीके का आपका बैकग्राउंड है, आपके बैकग्राउंड में आपको शो क्या करना है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जितना आप इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी फोटोग्राफी निखर के आएगी, चाहे प्रोफेशनल हो, सेमी प्रोफेशनल हो, या आप बिगिनर हो, या फिर आप बस रैंडमली कभी कभार क्लिक करते हो। अभी हमारे स्क्रीन पे दो वीडियोस हैं, जो आपकी ए वीडियो है उसमें आपको कुछ ज़्यादा शो नहीं हो रहा है आपके सब्जेक्ट के अलावा, वहीं पर आपको बी वीडियो में सब्जेक्ट के अलावा भी अदर पर्सन शो हो रहे हैं वीडियो में, और जो एक अच्छी लुकिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। एंड सेकेंड है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फोटोग्राफी की, और रियलिटी में इसे ऐड करते ही आपकी फोटोग्राफी का लेवल बिल्कुल अलग हो जाएगा। वो कैसे, इस चीज़ का मतलब अपनी फोटो को फोरग्राउंड दो। अब ये फोरग्राउंड वाला रूल और बैकग्राउंड वाला रूल आपकी फोटो के साथ वीडियोस पे मिला हुआ होता है, बिकॉज फोटोग्राफी और वीडियो कहीं ना कहीं सिमिलर रूल्स पे चलती हैं। अब सोचने वाली बात है फोरग्राउंड क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में आपके सब्जेक्ट का जो पीछे का एरिया होता है वो आपका बैकग्राउंड होता है, और आगे का एरिया होता है वो आपके फोरग्राउंड में आता है। जो अभी रास्ता आ रहा है वो फोरग्राउंड में आएगा। तो और समटाइम आप फोरग्राउंड ऐड करके अपनी फोटो को और ज़्यादा बढ़िया लुक दे सकते हैं। लाइटनिंग, अब लाइटनिंग के बारे में तो सबको ही पता होगा, विदाउट लाइट आप फोटोग्राफी कर नहीं सकते, तो आप इसे इंप्रूव कैसे कर सकते हो, बस लाइट का यूज़ करो। तो अभी मेरी एक लाइट चालू है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था फोटो वीडियो दोनों में ये चीज़ें काम करती है। तो आप एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। सेम एक साइड से आ रही है, तो इस साइड का एरिया बहुत ज़्यादा डार्क है, तो आपको फोटोज़ लेते टाइम इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपकी लाइटनिंग कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। लाइटनिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी बिगिनर फोटोग्राफर के लिए, इस चीज़ को समझना इतना ईजी नहीं होता है। सो लाइटनिंग को लेकर मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस देना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स में, तो उसे समझने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसी फोटोज क्लिक करनी है। चाहे आप 10,000 का 5,000 का ही फ़ोन से खींचेंगे ना, आपकी फोटो रियलिटी में बहुत बढ़िया आएगी। हमेशा ध्यान रखिए आपका सब्जेक्ट लाइटनिंग के आगे ना हो, बिकॉज अगर आपका सब्जेक्ट लाइटनिंग के आगे होगा तो वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, आपका सब्जेक्ट कभी भी लाइट के बिल्कुल सामने ना हो, बिकॉज हार्ड लाइट आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बर्न कर सकती है इन फोटोग्राफी। धूप के टाइम पे तो वो भी रियलिटी में भी करेगी, बट हाँ फोटोग्राफी में डायरेक्ट लाइट आपके स्किन टोन को बहुत ज़्यादा बर्न कर देती है, जिससे फोटोज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है समटाइम, और समर टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करें। अब आती है तीसरी बात, आपको कहाँ रहना चाहिए। तो कोशिश करिए आप ऐसी पोजिशन लें जहाँ पर सन आपके 45 डिग्री एंगल पर हो, जो मुश्किल होता है बट ध्यान रखना है वाली बात है कि लाइट आपके चेहरे की इस टोन इस तरीके से आए और आपके एक साइड शेडोज क्रिएट हो, तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपको एक अच्छी खासी फोटोज़ मिल जाएंगी जहाँ पे आप स्किन सीधा बर्न ना होकर, और समझ लो अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं या फिर आप ऑन द लोकेशन है तब आप ये आजमा सकते हैं टाइम, आप किसी भी टाइम ट्रिक्स को यूज़ करके अपनी फ़ोटोज़ को अच्छा कर सकते हैं। बट अगर आप फोटोशूट के लिए ही जा रहे हैं बिल्कुल सोच समझ के, तो मैं सजेस्ट करूँगा तो आप मॉर्निंग में जाएँ सनराइज़ के टाइम पे जो गोल्डन आवर होता है, और इवनिंग में आपका सनसेट से थोड़ा सा पहले जो टाइम होता है गोल्डन आवर, उसमें जाके फोटोशूट करें तो वो बेस्ट टाइम है अगर आप फोटोशूट किए जा रहे हो। यूज़ कंपोजिशन, अब कंपोजिशन क्या होती हैं ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ईजी लैंग्वेज में कंपोजिशन के कुछ रूल्स होते हैं, आपको उन्हें फॉलो करना पड़ता है फोटोज़ या वीडियोज़ क्लिक करने के लिए या शूट करने के लिए। इसके रूल्स के नाम तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताए हैं, रूल ऑफ थर्ड, फ्रेमिंग फ्रेम, नेगेटिव स्पेस, रिफ्लेक्शन, लीनियर लाइंस, एंगल्स, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो फोटोग्राफी और वीडियोस में यूज़ होते हैं। बट इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो, देखिए इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ। आपको हमेशा अपनी फ़ोटोज़ में एक एंगल क्रिएट करना है,
कोशिश करें अपनी फोटोज में एंगल बनाएं, शेप्स बनाएं, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, कोशिश करें अगर आपकी फोटोज में वो शेप है तो आप कहीं ना कहीं कंपोजिशन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और आपकी फोटोज का रियलिटी में लेवल अलग हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें, ब्ला 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 ब्ला, हर बार यही बोल रहा हूँ। बट अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो और कुछ भी आपको समझना है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। बाय।